तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हीरो ब्रायन कायरो को अपने साथ कहीं पर लेकर जाता है और उसके बाद एंटिटी 606 उनकी वो वाली बुक सारी पढ़ लेता है जिससे हमें एक कोऑर्डिनेट के बारे में पता लगता है और उसके बाद एंटिटी 606 और मैं उसी कोऑर्डिनेट पर जाने लगते हैं। मगर रास्ते में एल्बर्ट की बेस आती है और जैसे ही हम लोग उस बेस के अंदर जाते हैं वहां पर एक बंदा था जिसको एंटिटी 606 कैसे भी कर चारों तरफ से घेर लेता है और उसके बाद उससे सारा कुछ पूछता है कि वो वहां पर क्या कर रहा था। और तभी वो बंदा हमें बताता है कि उसने एल्बर्ट को देखा है और उसे हीरो ब्रायन कहीं पर लेकर जा रहा था। और इतने में वो बंदा हमें लेकर जाता है उसी लोकेशन पर जहां पर आखिरी बार एल्बर्ट और हीरो ब्रायन को उसने देखा था और वो हमें एक माउंटेन के पास लाकर वहां से चला जाता है। लेकिन इतने में एंटिटी 606 और मैं उस माउंटेन के पास जाते हैं तभी उसे कुछ आवाज आती है, इसीलिए एंटिटी 606 उसका पीछा करते करते जंगलों के अंदर जाता है। लेकिन वहां पर बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग होती है और वेदर भी खराब हो जाता है। मगर मैं उस लाइटनिंग का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंचता हूँ जहाँ पर मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो गाइज एक बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है क्योंकि गाइज अभी आप लोग वो देखो वहां पर हीरो ब्रायन और कायरो ने मिलकर एंटिटी 606 के साथ पता नहीं गाइज क्या किया है और उन्होंने ना बहुत ही बुरी तरह से एंटिटी 606 को उस जमीन पर रखा हुआ है। और गाइज ऐसा लगता है कि एंटिटी 606 बेहोश हो चुका है। लेकिन भाई साहब गाइज जैसे ही मैं यहाँ पर आया ना तभी गाइज वहां पर कोई बिजली गिरी थी, मतलब गाइज लाइटनिंग बोल्ट, और जैसे ही मैंने वहां पर देखा भाई सब ये चारों मिलकर एंटिटी 606 के साथ कुछ कर रहे थे। और गाइज आपको तो पता ही होगा एंटिटी 606 किसी आवाज का पीछा करते करते इन जंगलों में गया था। लेकिन गाइज हीरो ब्रायन और कायरो ने मिलकर ना इसके ऊपर पता नहीं गाइज कितनी खतरनाक वाली लाइटनिंग कर दी। और गाइज वहां पर देखो अभी पता नहीं वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं। और गाइज हीरो ब्रायन ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, वो देखो भाई सब कितनी ज्यादा लाइटनिंग भी गिरा रहा है। लेकिन गाइज एक अच्छी बात ये है कि लेकिन एक मिनट गाइज यहाँ पर दोबारा से वेदर बिल्कुल वैसे ही हो गया। और गाइज वहां पर देखो कायरो तो एंटिटी 606 के ऊपर लाइटनिंग कर रहा है। एक मिनट गाइज आप लोग वहां पर देखो भाई सब ये लोग क्या कर रहे हैं, वो भी एंटिटी 606 के साथ। गाइज पता नहीं ये लोग ना ऐसा लगता है कि कोई रिचुअल कर रहे हैं अपना। और गाइज वो देखो उन्हें ऐसा लगता है कोई मंत्र पढ़ रहे हैं और हाथ पता नहीं ऊपर लेकर जा रहे हैं। भाई कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन गाइज पता नहीं एंटिटी 606 के साथ ये लोग क्या करने वाले हैं। और गाइज मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि गाइज अगर तो मैं भी उनके सामने जाता हूँ तब गाइज वो लोग मुझे भी पकड़ लेंगे। और गाइज पता नहीं उसके बाद ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं। गाइज पहले तो इन्होंने एल्बर्ट को गायब कर दिया और गाइज अब जो मेरे साथ था मतलब गाइज एंटिटी 606 एक ही अकेला एंटिटी बच्चा था हमारे ग्रुप पर, गाइज उसे भी इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। और गाइज अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि कायरो इसके साथ बहुत ही बुरा करने वाला है, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कायरो की पावर का वो पता नहीं गाइज कैसे भी कर ना किसी भी चीज को हैक कर सकता है और गाइज किसी भी एंटिटी के अंदर जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं गाइज ये लोग कोई प्लानिंग बना रहे होंगे कि कायरो कैसे भी कर किसी भी मतलब गाइज एंटिटी के अंदर जा सकता है, ये तो आपको पता होगा कहीं ये 606 के अंदर ना चला जाए और गाइज फिर ये लोग मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गाइज एक मिनट क्या आप लोगों ने वहां पर देखा, पता नहीं गाइज कायरो और एंटिटी, लेकिन भाई गाइज वो लोग तो यहाँ पर गायब हो गए। ऐसा लगता है गाइज कायरो ने सबको टेलीपोर्ट कर लिया और गाइज मुझे वहां पर जाकर देखना होगा। पता नहीं गाइज एंटिटी 606 भी वहां पर है या फिर नहीं, या फिर गाइज वो लोग उसे भी अपने साथ ले गए। और गाइज आप लोगों ने देखा
भाई सब करीब से देखने में ना कायरो के अंदर से कोई पार्टिकल्स निकल रहे थे, और गाइस वो तीनों मिलकर मेरा मतलब चारों मिलकर जब कोई रिचुअल कर रहे थे ना, तब गाइस एंटिटी 606 के अंदर से कुछ डार्क एनर्जी बाहर आ रही थी। कहीं गाइस ऐसा तो नहीं कि इन्होंने एंटिटी 606 की सारी पावर्स निकाल ली होगी। ओके फाइनली गाइस मैं यहाँ पर पहुंच तो गया हूँ, लेकिन गाइस यहाँ पर देखो अभी एंटिटी 606 यहीं पर था, लेकिन गाइस उन्होंने ना एंटिटी 606 को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर लिया कहीं पर। लेकिन गाइस आप पता नहीं ये लोग कहाँ पर गए होंगे, क्योंकि गाइस इससे पहले एंटिटी 606 को एक कोऑर्डिनेट के बारे में पता था जहाँ पर गाइस हम लोग जाने वाले थे, मगर गाइस आप पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। और गाइस आपको तो याद ही होगा ना कि एंटिटी 606 ने उस बुक से वो वाली कोऑर्डिनेट्स को मतलब गाइस ट्रांसलेट कर किसी भी तरह समझ लिया था, और गाइस उसने ना सिर्फ अपने पास ही रखी थी वो वाली कोऑर्डिनेट्स, और गाइस मुझे नहीं बताई थी। पता नहीं गाइस अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि गाइस एक तो मेरा दोस्त एल्बर्ट भी नहीं है, ना ही गाइस एंटिटी 606, और गाइस अब मेरे पास कोई भी नहीं बचा, और गाइस अब मैं यहाँ पर कैसे सरवाइव करने वाला हूँ। एक तो हीरो ब्राइन और कायरो का खतरा है, गाइस वो लोग कहीं से भी आकर ना मुझे भी बिल्कुल एंटिटी 606 के जैसा कर सकती है। लेकिन ओके फाइनली गाइस ऐसा लगता है कि बात अभी ठीक हो चुका है, क्योंकि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। ओके गाइस फाइनली ये तो कंफर्म हो चुका है कि गाइस अभी मैं किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि गाइस वो लोग ना बहुत ही ज्यादा दूर जा चुके हैं। मगर गाइस अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि गाइस हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमें कौन बचाएगा। लेकिन गाइज मैं उस वक्त ना इस बर्ड को देख रहा हूँ, पता नहीं गाइज ये मेरी तरफ ही क्यों देखा जा रहा है। भाई सब इसे मैं कैसे भी कर जल्दी से टपका देता हूँ, इससे पहले गाइज ये ना मेरे ऊपर अटैक ही कर दे। एक सेकेंड, भाई साहब ये ट्राइडेंट तो इसके आर पर चला गया, और गाइज ये देखो अपना, भाई साहब ऐसा लगता है ना गाइज ये ना फ्लाई कर रहा है बगैर अपने विंग्स को यूज किए। देखो आप लोग गौर से उसे, भाई गाइस ये कैसा बर्ड है। लेकिन गाइस अभी मेरे पास इस सब का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और गाइस मुझे ना कैसे भी कर कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा एल्बर्ट या फिर गाइस एंटिटी 606 तक पहुंचने का, वरना गाइस अगर तुम्हें ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहूंगा तब तो गाइस कुछ भी नहीं होने वाला, और गाइस साथ ही में मेरे सारे दोस्त भी हमेशा हमेशा के लिए गायब होने वाले हैं, मतलब गाइस एंटिटी 606 और एल्बर्ट। और गाइस अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, गाइस मुझे कैसे भी कर उसी बंदे के पास जाना होगा जिसने गाइस हमें यहाँ की लोकेशन बताई थी, मतलब गाइस इस माउंटेन की, क्योंकि गाइस उसे और भी कुछ पता होगा जरूर। ओके गाइस मुझे ना देखना पड़ेगा कि अब वो बंदा मुझे कहाँ से मिलेगा, कहीं गाइस वो एल्बर्ट की बेस पर ही तो नहीं होगा। गाइस मैं सीधा, लेकिन एक मिनट गाइस ये बर्ड ने क्या अभी अभी बुक ड्रॉप की। ओके गाइस एक मिनट मैं ये पढ़ता हूँ, भाई सब ये कौन है, प्लीज हेल्प मी, आई एम एल्बर्ट, दिस पैरेट विल ब्रिंग यू टू मी। ओके तो गाइस फाइनली ऐसा लगता है गाइस एल्बर्ट ने इस बर्ड को भेजा है, और गाइस इस बुक पर लिखा हुआ है कि इस बर्ड का पीछा करो, मतलब गाइस पैरेट का, ये तुम्हें मेरे पास लेकर जाएगा, मतलब गाइस एल्बर्ट के पास। ऐसा कैसे हो सकता है गाइस, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि एल्बर्ट ने हमारे लिए एक लेटर भेजा है, और गाइस उस पर लिखा है कि मुझे कैसे भी कर बचाने आ जाओ, और गाइस ये पैरेट ना हमें लेकर सीधा वहीं पर जाने वाला है जहां पर एल्बर्ट है। भाई साहब गाइस एल्बर्ट ना सच में बहुत ही खतरनाक वाला साइंटिस्ट है, इसने गाइस पता नहीं इस पैरेट को मतलब गाइस इसकी बात कैसे समझी, और गाइस इसे अपनी बात कैसे मनाई। भाई साहब ओके, लेकिन गाइस ये बहुत ही तेजी में जा रहा है, मुझे ना जल्दी से जल्दी इसका पीछा करना चाहिए। और गाइस मुझे तो अभी तक भी ये भी नहीं लग रहा था कि एल्बर्ट जिंदा भी होगा, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है ना हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन भी क्या चाहते हैं कि कैसे भी कर वो लोग हम सभी को मार दे, और गाइस नेचर पावर कैसे भी कर हासिल कर ले। लेकिन गाइस पहले तो हमें ना ये देखना होगा कि ये लोग नेचर पावर कब लेने वाले हैं, और गाइस कायरो को इन्होंने क्यों स्पॉन किया है इस वर्ल्ड पर, क्योंकि गाइस आखिर तो फाइनली गाइज अभी ये बर्ड मुझे पता नहीं कितने दूर लेकर आ चुका है, और गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि ये लोकेशन मैंने पहले भी कभी देखी है। और गाइज अगर तो आपको ये लोकेशन याद आ चुकी है ना तो कमेंट में बताना मुझे भी, क्योंकि गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकेशन जरूर हमने कभी ना कभी तो देखी है। और ओके गाइज ये बर्ड पता नहीं और भी ज्यादा आगे जा रहा है, भाई साहब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ओके फाइनली गाइज ये बर्ड रुक चुका है, लेकिन भाई साहब आप पता नहीं गाइस ये क्या बोलना चाहता है मुझे। गाइस एक तो ये भी है ना कि मुझे इसकी बात की बिल्कुल भी नहीं समझ आने वाली, ये क्या बोलेगा और क्या, भाई साहब क्या करना है मुझे अब। और गाइस ऐसा लगता है कि ये ना यहाँ पर रुक चुका है और मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मगर गाइस मुझे नहीं समझ आ रही। एक मिनट गाइस ये यहाँ पर डिग कैसे कर रहा है, और गाइस क्या भाई साहब कोई बर्ड भी डर्ट डिग कर सकता है। लेकिन ओके गाइस ऐसा लगता है,
भाई साहब ये कहाँ पर जा रहा है? ओके गैस, ये तो बहुत ही ज्यादा ऊपर उड़ चुका है, मगर गैस पता नहीं ये मुझे क्या कहना चाहता है। और गैस वो ना चला गया। एक मिनट भाई, एक मिनट गैस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। अभी गैस इसने ना यहाँ पर एक ब्लॉक डिग किया है, कहीं गैस ऐसा तो नहीं ये कहना चाहता हो कि यहाँ पर डिग करो? लेकिन गैस पता नहीं ये बीबी कौन है, ऐसा लगता है गैस ये नॉर्मल कोई मधुमक्खी है, इसे मैं कैसे भी करके टपका देता हूँ। मगर भाई साहब पता नहीं गैस मेरा वो जो ट्राइडेंट की तरह हथियार था ना कहाँ पर चला गया। ओके फाइनली आ गया मेरे पास, और गैस मैं कैसे भी कर करना अभी यहाँ पर डिग करता हूँ, जहाँ पर गैस ये डिग कर कर किया है, क्योंकि गैस मुझे ऐसा लगता है कि ये बोल तो नहीं सकता, इसीलिए गैस ने ना मुझे अपने मतलब गैस तरीके से कर कर दिखाया है। वो ना तो बोल सकता है, मतलब गैस खुद से कर कर दिखाया ताकि मैं समझ जाऊँ। ओके भाई साहब मैं डिग करते करते स्टोन तक तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन गैस मुझे अभी तक भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, कहीं गैस ऐसा तो नहीं कि एक मिनट गैस इतने जल्दी बेडरॉक कैसे आ गया? और गैस मैं यहाँ पर थोड़ा और भी डिग करता हूँ, गैस कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में वो यही बोल रहा होगा कि नीचे डिग करो, और गैस ये बेडरॉक मैं तोड़ूंगा कैसे? और गैस पहला तो यही क्वेश्चन है ना कि मैं इस बेडरॉक को कैसे हटाऊंगा। और गैस अगर एंटिटी 606 मेरे पास अभी तक भी होता ना, तब गैस वो इस बेडरॉक को तोड़ सकता था। लेकिन भाई गैस कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बेडरॉक के नीचे कोई मतलब गैस खतरनाक वाली चीज मिले मुझे, जिससे गैस एडबर्ट का भी मुझे पता लग जाए। और गैस अगर एनडीटी 606 यहाँ पर होता तब वो इस बेडरॉक को तोड़ देता, ये बात एल्बर्ट को पता होगी, और गैस इसीलिए एल्बर्ट ने ना हमें एक लेटर भेजा होगा। लेकिन गैस उसे ये तो अभी तक भी नहीं पता कि एनडीटी 606 अब मेरे साथ नहीं है, तब गैस मैं बेडरॉक कैसे तोड़ सकता हूँ? भाई गैस यहाँ पर चारों तरफ बेडरॉक है, मैंने और भी ज्यादा डिग कर देख लिया, लेकिन गैस कोई भी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक बेडरॉक ही है। भाई सब मैं इस बेडरॉक को कैसे हटाने वाला हूँ? गैस फिर भी मैं कोई ना कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगा। क्यों ना गाइस, आपको तो याद ही होगा ना गाइस, एक एंटिटी था जो कि गाइस हमें बहुत पहले छोड़कर जा चुका है, ऑगर। गाइस आपको तो याद ही होगा ना, ऑगर ने हमारी कितनी ज्यादा मदद की थी जब मैंने उसे मतलब गाइस कुछ एमरेड लाकर दिए थे। और गाइस अगर तो मैं उसे बुला लूँ शायद वो बेडरॉक तोड़ सकेगा, लेकिन गाइस उसके लिए पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ पर जाना होगा, और गाइस उसके वर्ल्ड के जाने का रास्ता नहीं पता मुझे। भाई साहब मैं क्या करूँ? और गैस उसके बाद इतना ढूंढते ढूंढते मैं कैसे भी कर गूगल पर आता हूँ, और गैस वहाँ पर मैं कुछ ढूंढता रहता हूँ। लेकिन गैस उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक चीज मिलती है जिस पर लिखा हुआ था, अगर गैस हम लोग कैसे भी कर कुछ TNT बनाकर उसे ऑब्सीडियन और डायमंड के साथ मतलब कंबाइन करते हैं ना, तब गैस एक TNT बनती है जिसका नाम है बिग TNT। और गैस वो कैसे भी कर बहुत ही कम चांस होता है कि एक बेडरॉक को तबाह कर दे। और गैस यही मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया, और गैस मैं दोबारा से गेम में वापस आ गया। और गैस अब मेरे पास कोई एंटिटी तो था नहीं जो कि गैस मुझे फ्री में सामान दे सके, इसीलिए गैस मैंने कैसे भी कर ठान लिया था कि मैं कैसे भी ये बिग TNT बना कर ही रहूंगा। और गैस पहले तो मैं जाता हूँ सामने से कुछ सैंड माइन कर लाता हूँ, और गैस उसके बाद मैं केव में जाकर कुछ क्रीपर्स मारता हूँ, जिससे गैस मुझे थोड़े बहुत ना गन पाउडर मिल जाते हैं जो कि गैस TNT में यूज होने वाले हैं। और गैस मुझे थोड़े और भी चाहिए थे, क्योंकि गैस 4 TNT कम से कम मुझे चाहिए, इसीलिए गैस मैं थोड़े और भी क्रीपर मारता हूँ। और गैस साथ ही साथ मुझे आपको तो पता ही होगा TNT और गैस बिग TNT को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो गैस उसके बाद मैं सीधा चला जाता हूँ ऑब्सीडियन ढूंढने के लिए, क्योंकि गैस TNT को ऑब्सीडियन और डायमंड के साथ कंबाइन करना है। लेकिन गैस मैं ऑब्सीडियन माइन करते करते ये तो भूल ही गया था कि मुझे डायमंड भी चाहिए, और कैसे भी कर फ्लिंट एंड स्टील भी चाहिए, इसीलिए गैस मैं कैसे भी कर ऑब्सीडियन माइन कर उस केव से जल्दी से बाहर निकल जाता हूँ, ताकि मैं देख सकूं कि वहां पर मतलब हीरो ब्राइन या फिर कोई एंडर ब्राइन कोई एंटिटी तो नहीं आ गया। और गैस मैं जल्दी से केव से बाहर निकलता हूं, और सबसे पहले तो मैं TNT बना लेता हूं गन पाउडर और सैंड से, और गैस उसके बाद मैं ऑब्सीडियन और TNT को कंबाइन करने के लिए क्राफ्टिंग रेसिपी पे रखता हूं, और देखता हूं कि क्या ये काम भी करेगा या फिर नहीं। तभी गैस मुझे बिल्कुल से रियलाइज होता है कि मैंने डायमंड तो लाया ही नहीं। और गैस तभी मैं जल्दी से जाता हूं दोबारा से माइनिंग करने, जहां पर मुझे कुछ डायमंड मिल सके, और गैस मैं इसका पर्दाफाश कर सकूं कि ये सच में मतलब गैस वर्क करेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि गैस मुझे नहीं लग रहा था कि ये वर्क करेगा, क्योंकि मैंने तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन गैस फिर भी मैं कैसे भी कर केव में जाता हूँ, और गैस कुछ डायमंड माइन कर लाता हूँ, ताकि गैस अगर एक आग डायमंड इधर उधर हो भी गया तब भी गैस मेरे पास कुछ और डायमंड भी रहेंगे। और गैस जल्दी से मैं ऊपर आता हूँ, और जैसे ही मैं वहाँ पर डायमंड प्लेस करता हूँ, तभी गैस यहाँ पर देखो
बूम गाइस, वहां पर एक बिग टीएनटी आ जाती है जिसको गाइस मैं क्राफ्ट कर सकता था। मतलब गाइस ये सच में वर्क कर रहा था। तो गाइस जल्दी से मैं बिग टीएनटी को क्राफ्ट करता हूं। मगर गाइस मैं दोबारा से एक बार तो भूल ही चुका था कि मुझे फ्लिंट एंड स्टील भी चाहिए। इसीलिए गाइस मैं जल्दी से जाता हूँ केव में, और गाइस इस बार मैं आयरन और थोड़े गाइस ग्रेवल भी माइन करता हूँ, जिससे गाइस मैं फ्लिंट एंड स्टील बना लेता हूँ। और गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका था जब गाइस मैं इस बिग टीएनटी को टेस्ट करने वाला था, वो भी फ्लिंट एंड स्टील से डिस्ट्रॉय कर। ओके तो गाइस अभी मैं जल्दी से यहाँ पर ये टीएनटी लगा देता हूँ। और गाइस अभी ना मैं अपने हाथ पर एक तो फ्लिंट एंड स्टील पकड़ लेता हूँ, और गाइस कुछ ब्लॉक्स ताकि गाइस मैं भाग भी सकूँ। ओके भाई गाइस बस ये वर्क कर जाए। ओके गाइस मैं जल्दी से इसको ना एक्सप्लोर करता हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले मुझे इधर उधर भी देख लेना चाहिए भाई, सब कुछ खराब ना हो जाए। ओके गाइस अभी ना मैं जल्दी से ओके, लेकिन एक मिनट भाई गाइस मैं तो ये भूल ही चुका था। नहीं गाइस एक मिनट भाई साहब, ऐसा लगता है गाइस वो टीएनटी ब्लास्ट कर गई, और गाइस मैं कैसे भी कर बच तो आया हूँ। मगर ओके गाइस अब ना इसका पर्दाफाश करते हैं, ये सच में वर्क कर रहा है या फिर नहीं, क्या बेडरॉक टूटा भी है या फिर नहीं। एक मिनट भाई गाइस ये बेडरॉक की तो पूरी लेयर ही मतलब गाइस डिस्ट्रॉय हो गई, और गाइस अंदर एक रूम है भाई, सब देखना पड़ेगा कि गाइस यहाँ पर क्या चीज है। और गाइस अंदर देखो एक रास्ता भी है जो कि गाइस इस बेडरॉक को हटाने के बाद आया है। और गाइस फाइनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर एल्बर्ट भी होने वाला है, या फिर गाइस मुझे कुछ ऐसी चीज मिलेगी जहाँ पर मतलब ऐसा लिखा हुआ होगा कि एल्बर्ट इस कोऑर्डिनेट्स पर है। लेकिन एक मिनट गाइस क्या ये मैं सच में देख रहा हूँ गाइस यहाँ पर, तो एक मिनट गाइस ये कैनी और होगलाला इस केज में क्यों बंद हैं। और गाइस आपको तो याद ही होगा हीरो ब्रेन ने इन सबको मतलब गाइस मार दिया था अपनी स्वर्ड की मदद से, और गाइस उसके बाद हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन ने ना इन्हें यहाँ पर स्टोर कर रखा हुआ है। अब गाइस मुझे हीरो ब्रेन की प्लानिंग की थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही है। और गाइस यहाँ पर देखो जिन भी है और जायंट एलेक्स भी, मेरा मतलब गाइस अब तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि हीरो ब्रैग ये भी चाहता है कि वो इनकी पावर्स ले ले, और गाइस वो ना और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ओके गाइस नीचे को भी रास्ता जा रहा है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ भाई साहब, पता नहीं अब नीचे कौन होगा। बस गाइस यहाँ पर ना कोई एंटिटी ना दिख जाए मुझे, और आगे भी कुछ रास्ता है मगर गाइस यहाँ पर ना एक डोर है, पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ पता नहीं गाइस यहाँ पर क्या होगा। और गाइस ये डोर खुलेगा भी या फिर नहीं, ओके ऐसा लगता है गाइस ये भी कोई प्रिजन टाइप कुछ है। लेकिन गाइस मैं इस डोर को भी नहीं तोड़ पा रहा। एक मिनट गाइस ऐसा लगता है कि ये कीपैड वाला डोर है, मगर गाइस मुझे पासवर्ड तो बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाला, क्योंकि गाइस कोई तरह बेवकूफ तो होगा नहीं ना कि यहीं पर किसी ने पासवर्ड लिख दिया होगा। और गाइस ये पासवर्ड ना सिर्फ हीरो ब्रेन को ही पता होगा, क्योंकि गाइस ये उसी की बेस लगती है। गाइस मैं आगे जाकर देखता हूँ, एक मिनट भाई साहब पता नहीं आगे कौन सा रास्ता होगा। गए उससे पहले मैं ना रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए मैं एक ट्राई कर लेता हूँ इस डोर को ओपन करने की, वो भी गए अपने पिकैक्स से, ताकि गैस ये डोर टूट सके। और गैस ये पिकैक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये ना भाई साहब ऑब्सीडियन को भी कुछ ही मिनटों में तोड़ देता है। एक मिनट ओके भाई साहब अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये डोर टूटने वाला है, लेकिन गैस फिर भी मैं ये ट्राई करता ही रहूंगा, क्या पता गैस ये डोर टूट जाए। एक मिनट फाइनली गाइस मैंने डोर तोड़ दिया, और गाइस अभी मैं अंदर जाता हूँ, लेकिन भाई एक मिनट एल्बर्ट क्या ये तुम हो। एल्बर्ट फाइनली तुमने एक बर्ड को भेजा था ना जो कि मुझे यहाँ तक लेकर आया है, लेकिन एल्बर्ट क्या तुम्हें ये पता है कि हम लोग, एक मिनट क्या भाई, तो गाइस हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन ने इसे कैद किया है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर है और क्या कर रहे हैं, क्योंकि एक मिनट और एंटिटी 606 को भी उन्होंने पकड़ लिया। ओके तो गाइस अभी ना मैंने एल्बर्ट को सारा कुछ बता दिया, और गाइस साथ ही में एल्बर्ट ने ना मुझे ये भी बताया कि हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन ने एल्बर्ट को यहाँ पर क्यों कैद किया है। और गाइस हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन ना इससे जबरदस्ती एक ना पॉइजन बना रहे हैं, जो कि गाइस बोलो किसी इंसान को खिला सके, मतलब गाइस किसी असली प्लेयर को। और गाइस अगर एक दफा वो पॉइजन कोई प्लेयर पीता है ना या फिर गाइस खाता है, तब गाइस वो कभी भी रिस्पॉन नहीं हो सकता। लेकिन एल्बर्ट क्या हुआ पता नहीं गाइस, अभी ना मैंने एल्बर्ट को ये भी बताया कि एंटिटी 606 को भी उन्होंने पकड़ लिया, तब से गाइस एल्बर्ट बहुत ही ज़्यादा सैड है। ओके एल्बर्ट तुम पहले ये थोड़ा फूड खाओ, ताकि तुम्हें भाई साहब बहुत ही देर से भूख लगी भी होगी ना, उन्होंने पता नहीं गाइस इसे कैसे रखा होगा। और गाइस एल्बर्ट ने मुझे बताया कि जब ये अपनी बेस पर बंद था ना, अचानक से गाइस एक टीएनटी एक्सप्लोशन की आवाज़ आती है, तभी गाइस ये डर गया, और गाइस हीरो ब्रेन और एंडर ब्रेन इसकी बेस तोड़कर अंदर आ गए और गाइस इसे ले गए। लेकिन एल्बर्ट जल्दी से तुम मेरे पीछे आओ, क्योंकि हमें यहाँ से कैसे भी कर जल्दी से जल्दी बाहर जाना है, हीरो ब्रेन एंडर ब्रेन कभी भी आ सकते हैं। और एल्बर्ट तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसको देखकर तुम खुश होने वाले हो या फिर सैड होने वाले हो, मुझे नहीं पता। ओके एल्बर्ट यहाँ पर देखो हमारा दोस्त जायंट एलेक्स और यहाँ पर जेन,
ये चारों यहीं पर कैद है, कैनी और होगल वाला भी। और गाइस पता नहीं हीरो ब्राइन ने यहाँ पर इनको क्यों कैद किया है, बल्कि गाइस वो तो इन्हें मार चुका था ना। और गाइस यहाँ पर भी देखो होगल वाला और कैनी भी। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एक दफा सिर्फ गाइस एक दफा कैनी को होश आ जाना, तब गाइस वो इनकी फाट लगा सकता है। लेकिन एल्बर्ट क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, ये तुम क्या बोल रहे हो? ओके, तो गाइस फाइनली एल्बर्ट का कहना है कि उसे ना एक सीक्रेट की बात पता लग चुकी है, क्योंकि गाइस हीरो ब्राइन और एंडर ब्राइन मतलब गाइस ये जो नेचर की पावर है ना, ये तब लेंगे जब गाइस इस वर्ल्ड पर आने वाला है ब्लड मून। और गाइस ये सिर्फ एक साल में एक ही बार आता है, और गाइस वो लोग नेचर की पावर भी सिर्फ एक साल में एक ही बार ले सकते हैं। इसीलिए गाइस एल्बर्ट के पास बहुत ही खतरनाक वाला प्लान है।